तुर्की के साथ जारी तनाव के बीच ग्रीस ने अमेरिका से लॉकेट मार्टिन F-35 फाइटर प्लेन्स की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस 18 से 24 के बीच जेट्स की खरीदने के बारे में सोच रहा है। ग्रीस के अखबार के मुताबिक एक आधिकारिक पत्र अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को ग्रीस के रक्षा मंत्रालय की ओर से 6 नवंबर को भेजा गया था। अखबार ने दावा किया है कि ग्रीस ने नए या पुराने यूएस फोर्स F-35A की जल्द खरीद की बात कही है। इसमें कहा गया है कि F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम में शामिल होने का फैसला कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा, जैसे फाइटर्स की डिलीवरी, रिपेमेंट प्लान, एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन और 18 से 24 नए या पुराने या दोनों ही जेट्स की खरीद। इस लेटर में पहला जेट 2021 में डिलीवर करने की बात कही गई है। ग्रीस के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मामेंट एंड इन्वेस्टमेंट थियोडोरस ने लेटर में अमेरिकी अधिकारियों को जल्द से जल्द ग्रीस आकर समझौता करने की अपील की है। माना जा रहा है कि इस्तेमाल किए गए जेट खरीदने को तैयार ग्रीस काफी जल्दी में है। वहीं तुर्की ने हाल ही में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। ग्रीस की ये मांग इसीलिए और भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि इससे पहले फ्रांस से उन्होंने 18 राफेल फाइटर जेट्स मंगवाए हैं। ये 2021 की शुरुआत में पहुंच जाएंगे और हर महीने एक फाइटर डिलीवर किया जाएगा। 12 में से 6 नए जेट होंगे और 6 फ्रेंच एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए हुए। यानी कि ग्रीस और तुर्की के बीच अब लड़ाई एक अलग मोड़ पर आ चुकी है और ऐसे में तुर्की के S-400 का जवाब देने के लिए ग्रीस अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की खरीद जल्द से जल्द करना चाह रहा है।